आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नर्मदा जल आवर्धन योजना एवं सिवरेज पाइपलाइन के कार्य में तेजी लाने के लिए दिया ज्ञापन। समय सीमा में कार्य नहीं होने से शहरवासी परेशान। दरअसल नर्मदा जल आवर्धन योजना एवं सिवरेज पाइपलाइन का कार्य शहर में विगत कुछ सालों से संबंधित ठेकेदार द्वारा कछुई चाल से किया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय शहरवासियों को अपने वार्डों में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इस कार्य को समय सीमा में करने को लेकर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। शासन की इस महत्वपूर्ण योजना को समय सीमा में जल्द पूरा करने के उद्देश्य से शहर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने मंगलवार को SDM अनुकूल जैन को एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाहा के कई वार्डों में नर्मदा जल आवर्धन योजना एवं सिवरेज पाइपलाइन के तहत ठेकेदार द्वारा नालियां खुदवाई गई है, लेकिन अब भी कई वार्ड ऐसे हैं जहां यह कार्य होना शेष है। इस समस्या को लेकर शहर के शेष ग्रुप बड़वाहा द्वारा SDM को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि शहर में 3 साल से नर्मदा जल आवर्धन योजना एवं सिवरेज पाइपलाइन का कार्य चल रहा है, जो अब तक पूर्ण नहीं हुआ, जबकि कई वार्ड में खोदी गई नालियों में पेच वर्क भी नहीं किया गया है, जिसके कारण वार्ड वासियों को अपने वाहन निकालने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आगामी दिनों में बारिश होने से वार्ड में कई समस्या उत्पन्न होगी, जिसको देखते हुए इस कार्य को समय सीमा में करवा कर शहर वासियों को इस समस्या से निजात दिलाई जाए। इस समस्या के निराकरण को लेकर SDM अनुकूल जैन ने कहा कि इस पाइपलाइन के कार्य में तेजी लाने के लिए नगर पालिका में एक बैठक ली जाएगी, जिसमें इस कार्य से जुड़े ठेकेदार को बुलाकर समस्या से अवगत करवाया जाएगा। बड़वाहा से नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। आज हम सब सेज बड़वाहा ग्रुप के सदस्य SDM साहब को इस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं कि बड़वा में जल आवर्धन योजना जो है अधूरी पड़ी हुई है। लगभग 30 साल पहले शुरू हुई योजना आज तक पूरी नहीं हुई है। और यहाँ से देवास, इंदौर, उज्जैन पानी पहुँच गया, सनावत पानी पहुँच गया, लेकिन बड़वा की जनता नर्मदा जल नहीं मिल पा रहा। ऐसे ही दूसरी योजना जो हमारे यहाँ चल रही है सीवरेज की योजना, वो सीवरेज की पाइपलाइनें डल गई हैं, अधूरा काम पड़ा है, सारे गाँव की सड़कें उधड़ी हुई हैं और इतनी ख़राब है और आने वाले समय में बरसात आने वाली है। इस संबंध में हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया पूरे ग्रुप की तरफ से। ज्ञापन दिया है, क्या विषय सर ये? देखिए, सेल्स ग्रुप बड़वा के द्वारा जो अभी ज्ञापन दिया है, उसमें उनका कहना है कि नर्मदा जल आवर्धन योजना और सीवरेज पाइपलाइन का जो कार्य शहर में चल रहा है वो अभी भी अपूर्ण है। इस कारण रस्तों में गड्ढे और अन्य समस्याएं हो रही है, तो उसे जल्द से जल्द पूरा करा जाए। इस संबंध में हम जल्दी एक बैठक आयोजित करेंगे नगर पालिका में और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इस समस्या से शहर को निजात मिले। थैंक यू।